शिव शिव शिव। प्रणाम बाबा आनंद प्रणाम। आप इतने क्रोधित क्यों हैं बाबा? वो तीन दुष्ट लोग कौन हैं तुम्हारे ऑफिस में? अच्छा वो भरत सद्दू और मोहन जी, क्या किया उन्होंने बाबा? ऐसे ही कुछ नाम है उनके। अपमान किया मेरा, घोर अपमान किया मेरा उन तीनों। बाबा उनको माफ कर दीजिए, वो ऐसे ही इस किस्म के लोग, मेरा भी अपमान रोज करते रहते हैं, बट आई डोंट माइंड। यदि मैं क्रोधित होकर उन्हें श्राप देता तो तेरे ऑफिस के साथ वो भी जल जाते। क्या कर रहे हैं इस ऑफिस में भी तो हूं बाबा, क्या कर रहे हैं, मैं भी मर जाऊंगा बाबा। यही सोच कर चुप रहा रे। अच्छा बाबा वो आपने मुझसे कहा था ना कि वो मेरी मुराद पूरी हो जाएगी बाबा, तो वो मुराद कैसे पूरी होगी बताए? हाँ अवश्य पूरी होगी मुराद। कैसे बाबा? मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, हाँ, जिसकी मदद से तुम जिस व्यक्ति को चाहोगे वो एक दिन के लिए तेरा हो जाएगा रे। वो कैसे बाबा? तुम्हें उसके नाम का 11,000 बार जाप करना। बाबा अगर ऐसा हो गया तो मैं आपको जंगल में एक फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन रो हाउस बना के दूंगा, लग्जरियस। अभी उसकी जरूरत नहीं है, फिलहाल तो मेरी फीस ही दे दे रे, 1,000 रुपया। अरे बाबा मैं कहां भाग रहा हूँ, अभी भी बताइए करना क्या होगा। चलो फर्स्ट ओम फट स्वाहा। ओ माय गॉड। लो इसे अपने पास रख लो। थैंक यू वेरी मच। और मैं जो बोलूं वही बोलूं। ओके ऑलराइट। ओके नाम लू जिस व्यक्ति का वो हो जाए एक दिन के लिए मेरा। जाप करूंगा उसके नाम का 11,000 बार। तो ठीक है जाप शुरू कर दो। तो ठीक है पहले हमारी दक्षिणा तो दे दूंगा। अरे बाबा दे दूंगा पहले काम तो हो जाने दीजिए। तो ठीक है मैं भी बाहर खड़े उन तीनों राक्षसों को जाकर बता देता हूँ कि मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया। अरे बाबा आप तो ब्लैकमेल करने के लिए, ये लीजिए 1,000 रुपए आपने। थैंक यू वेरी मच। तो मैं चला जंगल में लोकेशन फाइनल करने। एयर कंडीशन आश्रम के लिए। सर किस बातें कर रहे हैं आप? सर मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं कविता याद कर रहा हूँ। सर आप कविता याद कर रहे हैं या कविता जी को याद कर रहे हैं? मेरे सामने साक्षात कविता खड़ी है तो मैं किसी और कविता को क्यों? आप कुछ ज्यादा ही शायराना मूड में है सर, मैं थोड़ा सा काम करके आती हूँ। ओके एक्सक्यूज मी। पता है आज वर्मा साहब ऑफिस में कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे। अरे अजीब तो रोज ही बिहेव करते हैं डार्लिंग, अजीबोगरीब बिहेव कर रहे होंगे। नहीं पता है जब मैं उनके कैबिन के अंदर गई ना तो वो अपने आप से कुछ बड़बड़ा रहे थे। वो उनको गालियां दे रहे होंगे और क्या। हम दोनों बात कर रहे हैं ना, क्या हमें चोट मारनी जरूरी है क्या? मेरा तुमने पता लगाया कि वो क्या बड़बड़ा रहे थे? आप पूछा ना मैंने तो वो कह रहे थे कि कविता याद कर रहे हैं। कविता वर्मा साहब? अरे छोड़ो जाने दो, अपनी बीवी कविता से वर्मा साहब कोसों दूर रहे थे। फिर क्या बड़बड़ा रहा होगा वर्मा बेटा? अच्छा सुनो, जब वर्मा साहब अंदर थे तो कोई साधु भी अंदर था? कौन सा साधु? अरे आज एक साधु आया था उनको मिलने के लिए। अरे जहाँ तक मैं जानती हूँ वो अंधविश्वासी नहीं है, साधु वादु में विश्वास करते ही नहीं वो। क्या बात करती हो मीरा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे कुछ दिन पहले तुम्हारी फोटो रखकर उस पे अगरबत्ती जलाकर फूल चढ़ाकर वर्मा साहब माथा टेक रहे थे। क्या बात कर रहे तुम, ऐसे कोई किसी की तस्वीर पे फूल चढ़ा के अगरबत्ती जला के ऐसा माथा टेकता है क्या? माफ करना माता जी, वर्मा जैसा आदमी मीरा को पाने के लिए कुएं में छलांग लगा देगा, और कुएं में पानी ना हो ना तब भी कूद जाएगा वो, बिकॉज ही इज एन एक्सट्रीमिस्ट। मुझे लगता है साधु ने वो टिप दी वर्मा साहब, एंड नाउ आई विल हैव टू इन्वेस्टिगेट दिस।